गाइज मेरे पास है वीवो V30e 5G और यहाँ पे आज की इस वीडियो में मैं इसको अनबॉक्स करने वाला हूँ। मेरे पास ये बॉक्स आ चुका है, लेके आए हैं हम। ठीक है तो स्टार्ट करते हैं इसको अनबॉक्स करना। तो मैं बॉक्स ओपन करूँगा, सबसे पहले हमारे पास स्मार्टफोन, इसको मैं साइड में रख देता हूँ फिलहाल। एंड गाइज उसके बाद है हमारे पास ये एक केस जो कि 10-15 दिन तो चल जाएगा, इसको भी मैं साइड में रख देता हूँ। एंड गाइज उसके बाद है हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंटेशन, 44 वोल्ट का चार्जर, यूएसबी टाइप ए टू टाइप सी केबल, एंड गाइज यहाँ पे एक सिम इजेक्टर टूल। तो सारी चीजें मैं साइड में हटाता हूँ, अभी हम बात करते हैं अपने स्मार्टफोन के बारे में, कैसा इसका लुक होने वाला है। सो गाइज लुकेट दिस स्मार्टफोन, काफी कॉम्पैक्ट और काफी यूनिक सा इसका लुक है। और भाई ये ना ऐसे बहुत काफी मस्त लग रहा है भाई, हाथ में पकड़ के ना ऐसे फील हो रहा है कि हाँ एक यूनिक स्मार्टफोन हमने हाथ में पकड़ा है। बाकी गाइज इसका जो पूरा का पूरा बैक साइड है वो प्लास्टिक का है, कोई भी मेटल नहीं है। कैमरा सेटअप और पूरा का पूरा साइड से भी ये प्लास्टिक का है, लगता मेटल का है बट प्लास्टिक का है। सो गाइज यहाँ पे हमारा कैमरा सेटअप, जहाँ पे हमारा मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, सेकेंड कैमरा है अल्ट्रा वाइड जो की 8 मेगापिक्सल का, एंड यहाँ पे हमें एक फ्लैश मिल जाती है। राइट साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन बटन, पावर ऑन ऑफ बटन है, एंड यहाँ पे लेफ्ट साइड पूरा का पूरा इसका क्लीन है। ऊपर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें माइक मिल जाएगा, एंड नीचे की साइड में मिलेगा हमें स्पीकर, डुअल नैनो सिम स्लॉट, यूएसबी टाइप सी पोर्ट और एक और माइक हमें यहाँ पे मिल जाएगा। एंड गाइज फ्रंट साइड में भी हमें 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। एंड गाइज 6.78 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले है। तो फटाफट से इसको ऑन करते हैं। गाइज सेटअप हो चुका है और सेटअप होते ही हमारे सामने पॉपअप आ जाता है वी एप स्टोर का, और यहाँ पे एंड इस स्मार्टफोन के अंदर आपको काफी सारी प्री इंस्टॉल्ड एप्स मिल जाएंगी, और वैसे इनको डिलीट तो हम कर सकते हैं, जैसे स्नैपचैट है। तो मैं इसको क्या कर रहा भाई, रुक जा भाई, इसको हम क्या करते हैं गाइज यहाँ पे अनइंस्टॉल कर देते हैं। तो काफ़ी सही है, बाकी डिस्प्ले इसकी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट मुझे दिख रही है और काफ़ी तगड़ी सी डिस्प्ले मुझे लग रही है, और फीचर्स मैं आपको इसके दिखा देता हूँ। सो गाइज ये है फन टच OS 14 जो कि एंड्रॉयड 14 पर ही बेस्ट है, और यहाँ पे आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 6 Gen+1 प्रोसेसर। और गाइज ये वाला जो स्मार्टफोन है मेरे पास 8 GB रैम और 256 GB स्टोरेज के साथ आता है। एंड गाइज इसमें मिलती है आपको 5500 mAh की बैटरी जो कि 44 वोल्ट चार्जर के साथ आती है। अभी एक नजर ना गाइज इसके कैमरा पे डालते हैं, क्योंकि आपको इसमें मिलता है 50 मेगापिक्सल का कैमरा, और सेल्फी कैमरा भी आपको इसमें 50 मेगापिक्सल का मिलता है। गाइज कैमरे के अंदर आपको 4K 30 FPS का सपोर्ट मिलता है अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो, लेकिन गाइज मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें ना काफ़ी सारे फोटोज मैंने खींचे हैं, तो मैं फोटो देखता हूँ। ये एक फ़ोटो खींचा है मैंने, काफ़ी सही डिटेलिंग है, लेकिन थोड़ा सा मेरे को ऐसे ब्लरी सा लग रहा है। बाकी गाइज मैंने इसमें और भी फोटोज़ खींचे हैं, जैसे ये पोर्ट्रेट मोड में खींचा है, पोर्ट्रेट मोड में काफ़ी सही डिटेल निकाल के दे रहा है कैमरा की। बाकी गाइज इस स्मार्टफोन का मैं पूरा कैमरा रिव्यू लाने वाला हूँ, तो आपको सब्सक्राइब करना है। अभी गाइज मैं आपको बता देता हूँ कि ये स्मार्टफोन आपको 29,999 रुपये का मिल जाएगा अगर आप बाय करना चाहते हैं, या फिर अगर आप इसका प्रॉपर रिव्यू देखना चाहते हैं पहले खरीदने से पहले, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके भी चेक कर सकते हैं।